नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है। वहीं चीन, पाकिस्तान और रूस ने तालिबान का समर्थन किया है। अब भारत में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने कहा है कि मैं तालिबान को सलाम करता हूँ। तालिबान ने पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी है। इन नौजवानों ने काबुल की ज़मीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। सज्जाद नोमानी ने आगे कहा कि एक बार फिर से ये तारीखी रकम हुई है। एक निहत्थी कौम ने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त दी है। काबुल के महल में वो दाखिल हुए, उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ यह हिंदुस्तानी मुसलमान सलाम करता है। आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया था। बर्क ने कहा था कि तालिबान अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अफगान लोग उसके नेतृत्व में आज़ादी चाहते हैं। जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आज़ाद कराना और चलाना चाहते हैं। वहीं बर्क के बयान के बाद बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने तहरीर पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज की है। संभल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि SP सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ IPC की धारा 124A यानी देशद्रोह के अलावा 153A और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।